Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sahi sahi link hoga description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? You know hamare yahan 365 days construction chalta rehta hai. In the evening it goes, afternoon goes. सुबह सुबह भी चल रहा है तो अभी कुछ कर नहीं सकते. एंजॉय द बैकग्राउंड म्यूजिक, व्हाट एल्स कैन आई से. फॉर नाउ वी आर सीइंग माय न्यू 10 करोड़ का सेटअप टूर. ओके, इट्स गोना बी इफ एट ऑल इट्स गेमिंग सेटअप तो मुझे समझ नहीं आएगा. आस्क फॉर लिटिल हेल्प आपकी. इट्स ट्रिगर इंसान, वाओ, सब चालू कर दो एक साथ, एक काम करो. ओके, कमिंग बैक टू दिस, लेट्स गो एंड सी ट्रिगर इंसान्स न्यू सेटअप टूर. लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. लेट्स गो. ओके, ले न्यू रूम टूर प्लीज. सेटअप टूर वाले लाइक करो भैया, प्लीज सेटअप टूर वीडियो बना दो. वोट फॉर सेटअप टूर, वोट फॉर सेटअप टूर. वी वांट न्यू सेटअप टूर. लाइक फॉर सेटअप टूर, वोट फॉर सेटअप टूर. सेटअप टूर चाहिए ब्रो, सेटअप टूर प्लीज ब्रो, सेटअप टूर करवा ना भाई. सेटअप टूर न्यू सेटअप का टूर दे दे भाई. सेटअप टूर, सेटअप टूर न्यू सेटअप टूर. सेटअप टूर, सेटअप टूर. वन लाइक फॉर सेटअप टूर भैया. सेटअप टूर भैया. सेटअप टूर भैया. सेटअप टूर, सेटअप टूर, सेटअप टूर. सेटअप टूर कैसे बताऊं मैं इन प्यारे प्यारे से लोगों को कि सारे पैसे तो नए घर बनाने में लग गए, सेटअप बनाने के लिए पैसे ही नहीं बचे, तो सेटअप टूर कहां से लाऊं? बस उस शाम में यही बात से परेशान सोच में डूबा था कि कैसे बनाऊं सेटअप, कहां से लाऊं पैसा सेटअप के लिए. लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका और मुझे याद आई मसीहों के मसीहा रजत दलाल की. तो फिर एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना मैंने सीधा रजत भैया को अपनी घड़ी से कॉल कर दिया. हेलो रजत भैया, बिग फैन. अच्छा भैया, एक्चुअली ना एक जरूरत पड़ गई थी. वो मेरे को मेरा सेटअप बनाना था, पर सेटअप कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं. तो आप तो बड़े दयालु हैं, थोड़े से पैसे की हेल्प हो जाती अगर तो. भैया कैसी बात कर रहे हो भैया, कोई तो तरीका होगा ना, कुछ तो हेल्प कर दो ना. देखो भाई, मेरा तो खुद सब कुछ चोरी का है, तो तुमको अगर सेटअप चाहिए नया तो चुरा लो. चोरी करनी पड़ेगी क्या? What? Did I hear it right? Hello? काट दिए. चड्डी पे चड्डी. और फिर निकल पड़ा मैं सेटअप के लिए सामान ढूंढने. रेड चड्डी, वो भी ब्रिलियंट. I like the start. कुछ आ रहा है. Wow! Liquid cooled graphic card, guys. उनका मुंह देखा. Those are full entertainment. एपिडेमिक साउंड, इस पे कॉपीराइट मत लगाना भैया. वो अरे अरे भैया, वो अरे भैया, वो लाके मैं नहीं. वो साउंड काट दो. इट्स ओके, वी विल टेक केयर. लातों से मारा, घूसों से मारा, जूतों से मारा, पर हेडफोन्स मिल गए. अगेन मेरी कान बज रहे हैं. अब पीसी के लिए सारे कंपोनेंट्स तो मैंने चुरा लिए थे, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज अभी भी बची थी, गेमिंग चेयर. और हर जगह ढूंढने के बाद भी जब नाकामयाबी हाथ मिली, तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया चमका. गेमिंग चेयर तो मेरे खुद के ही घर में पड़ी थी, मेरे सगे भाई फुकरा इंसान की. तो अब वक्त था अच्छा। अपने खुद के ही घर में चोरी करने का. ये क्या कर रहे? In no way Nishtha looks older than Abhishek, ठीक है? ऐसा लग रहा है opposite है. तो gaming chair का क्या करेगा? सही बात है ना मम्मी? चल हाथ लगा.
अब गेमिंग चेयर मैंने चुरा तो ली थी, लेकिन इसको असेंबल भी करना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो अब हम करने वाले हैं हमारी गेमिंग चेयर को असेंबल। आई मीन चुराई हुई गेमिंग चेयर को फिर असेंबल एंड देन टूल। दस्ताने भी है ताकि हाथ गंदे ना हो। ठीक है, पहन लेता हूँ। डॉक्टर निश्चय, अब करेंगे गेमिंग चेयर असेंबल। I do wish to like change the chair as well. देखा, gloves गंदे तो ऐसे कर दिए हैं मैंने, जैसे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी हो। हेलो भैया, हाँ जी, वो गेमिंग चेयर असेंबल करनी थी, आ जाओ प्लीज। हाँ आ रहे हो? अरे बड़ी जल्दी आ गए। गेमिंग नहीं, इन जनरल गुड वन। प्लीज असेंबल कर दो, मेरे तो बस की नहीं हो रही। इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, अपने बस की नहीं है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। पर भैया करके दिखाएंगे भाई, फटफट। ओए भैया तो एकदम पेच कसने भी लग गए हैं। तीन से चार मिनट हुए हैं मेरे को, बस मैं नीचे गया पानी पी के मम्मी पापा से बात करके आया, ऊपर आके देखा तो भैया ने ऑलरेडी पूरी चेयर खड़ी कर दी है एकदम। क्या मेरे बैठने पे टूट जाएगी? तो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली आवर पीसी सेटअप इज रेडी एंड इट्स टाइम फॉर रिवील। लेट्स गो। दिस इज माय न्यू सेटअप, कमाल का सीपीयू, कमाल का राउटर, केबल भी कनेक्टेड नहीं है, फिर भी वाईफाई। ये कीबोर्ड है, ये भी चलता है। यहाँ पे चार्ज करने के लिए हो जाती हैं ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। पिछली बार तो मेरा फट ही गया था पीसी, बट इट्स स्टिल द बेस्ट पीसी गाइस। सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे मेरे सेटअप में कपड़े भी सुखा सकते हैं जब मर्जी, जो मर्जी, चड्डी बनियान सब यहाँ पे सूख रहा है और बहुत मजा आता है यहाँ पे गेम खेलने में बहुत ज्यादा। ओ भाई, अरे वाओ, क्या हेडशॉट मारा है भाई। दो मॉनिटर है। सबसे पहले ये सैमसंग का ओडीसी G7 मॉनिटर जिसपे मैंने वेजिटा का लगा रखा है वॉलपेपर, because I just love Dragon Ball Z guys. ये दूसरा वाला जो है ये LG का अल्ट्रा गेयर है, दोनों 4K 144 हर्ट्ज है, तो गेमिंग करने में बहुत मजा आएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक गेमिंग चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो हमारी वजह से भाई नहीं करना चाहते होंगे। कीबोर्ड मैंने एज इट इज सेम टू सेम जो पिछला वाला था वही रखा है, ये Zebronics का लिटरली 500 रुपए का कीबोर्ड है एंड इससे बढ़िया कीबोर्ड कोई नहीं है। महंगे से महंगे कीबोर्ड सब इसके सामने फेल है। मजाक से हटके नीचे ड्रॉअर में दिखा दूं मैं तुम्हें, यहां पे थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ा है लेकिन ये कीबोर्ड है बेकार, बिल्कुल बेकार, इज बेस्ट, तो यही यूज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लंबा सा माउस पैड है जो YouTube ने हमें भेजा है। यहाँ पे देखो YouTube का लोगो भी है, ये YouTube ने भेजा है, थैंक्स टू YouTube। उसके बाद ये हमारे सेटअप की शान हगू, ये यहाँ पर हमेशा विराजमान रहेगा। स्वैग वाले ग्लासेस पिछले वाले सेटअप से ये मैं लेकर आया हूँ अपने साथ। उसके बाद मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी यहाँ से इस सेटअप से, तो मेरे को काफी ज्यादा फीडबैक मिला था तुम लोगों का एंड आई रीड ऑल द फीडबैक कि भाई आपका जो माइक है, जो मैंने पहले ये वाला माइक लगा रखा था, नीचे ड्रॉअर है, वैसे नीचे वाला एरिया दिखाना नहीं था बट नीचे ड्रॉअर है जिसमें मैंने वो पुराना वाला माइक जो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया ये रहा, ये निकाल के मैंने फेंक दिया है क्योंकि तुम लोगों ने बोला कि भाई पहले वाला माइक ज्यादा अच्छा था, तो मैंने पहले वाला माइक यहाँ पे लगा दिया। ओके, तुम लोगों को जो पसंद है। उसके बाद ये मेन अट्रैक्शन GPU सिस्टम, अब इसमें जो है हमारे पास है GeForce RTX 4090 का ग्राफिक कार्ड लगा है NVIDIA का एंड उसके बाद इंटेल जिनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उन्होंने मेरे को इंटेल i9 14900K प्रोसेसर दिया है जो मैंने इसमें लगा लिया है और बाकी जो भी डिटेल्स है वो मुझे याद नहीं है इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वैसे भी तुम लोग इंटरेस्टेड शायद नहीं हो। और पीछे जो है समझ नहीं आता, इंटरेस्टेड है तो कुछ था नहीं यहाँ पे, लैपटॉप रख दिया पुराना और यूट्यूब ने जो डायमंड प्ले बटन भेजा था वही वाला बक्सा ऊपर डाल दिया क्योंकि कूल लग रहा था यूट्यूब लिखा हुआ। माउस जो है ये एक वायरलेस रेजर वाइपर V2 प्रो माउस है। आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर वायरलेस माउस क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा पबजी वगैरह खेलते हुए या FPS गेम्स खेलते हुए ज्यादातर काफी लैग मारते हैं वायरलेस माउस, पर ये अभी तक अच्छा चल रहा है तो इसलिए रखा हुआ है। एक चेंज मैंने करा है, पहले क्या होता था जो मेरा माइक का आर्म है वो ऐसा इधर से उठ के आता था, ओह नो,
होता रहता है, होता रहता है, सब चलता रहता है। हाँ, पहले तो माइक का काम था वो ऐसे उठ के आता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा कूल लगेगा, ऐसा स्क्रीन के पीछे से ऐसा आएगा ना तो अच्छा लग रहा है। ये हो गया हमारा पीसी का सेटअप, अब रूम के सेटअप की टूवर्ड्स चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से घूमते हैं हम, पर्दों के पीछे है खिड़की, खिड़की के आगे है बालकनी, और बालकनी के आगे है खाई, उसमें कूद के यहाँ पे मम्मी ने जो है ये पानी भरने का घड़ा रखा है, क्योंकि पानी मैं कम पीता हूँ तो ऐसा कर सकते हैं। और ये एक सोफा रख दिया है, वैसे तो दोस्त वोस्त ज्यादा है नहीं, पर कभी कोई आ जाए तो वो यहाँ पर बैठ सकता है और पीछे से तालियां मार सकता है। वाह यार क्या खेल रहा है, वाह क्या जोक मार रहा है, बहुत बुरा था। उसके बाद ये पहली बॉल है, इस बॉल पे अभी मोदी जी से हमें एक अवार्ड मिला था गेमिंग कैटेगरी में, तो वो वाला अवार्ड हमने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि अच्छा लग रहा था। ये यूट्यूब ने जो डायमंड प्ले बटन दिया था, डायमंड प्ले बटन रखने के लिए पिछले वाले सेटअप में मेरे पास जगह नहीं थी, बट लकीली इस सेटअप में है तो इसलिए यहाँ पे रख दिया। ये स्पीकर मुझे याद ही नहीं है किसने दिया था, पर जिसने भी दिया था थैंक यू। उसके बाद ये सारे टॉयज ये तुम लोगों ने भेजे हैं, ये शिनचैन है, ये पेंगुइन है, पता नहीं कौन है, डोनाल्ड डक है, ये इसका मैंने कोशिश भी करा था गूगल पे जाके चेक कर लूं कि ये कौन है, बट मुझे लोलो एंड स्टिच वाला, एंड ये भी नहीं पता कौन है, ये ऐसा ब्लू भी बन जाता है, ऐसा पिंक भी बन जाता है, ये और ये और ये तीन जो टॉयज है ना, ये तीन अगर तुम लोगों को ये तीन याद है तो ट्रस्ट मी यू आर दी ओजी ऑफ दिस चैनल। इसका स्पेशली अगर तुम लोगों को नाम याद है ना, मैंने एक वीडियो में आया था कि ये किसी का बेटा है, अगर तुम लोग कमेंट्स में बताते हो कौन है ना, वी आर नॉट सीइंग दैट टाइम। और उसके ऊपर एसी है, पिछले वाले सेटअप का जो एसी था वो बहुत ज्यादा आवाज करता था, गड़गड़गड़गड़गड़गड़, ये वाला लकीली अभी तक तो आवाज नहीं कर रहा है। फिर हमारे सेटअप में ये है, ये एस्ट्रोनॉट जो है रॉकेट पे बैठ के कहां जा रहा है, ये लॉलीपॉप पकड़ के पता नहीं, मुझे लगता है गुजराती बोल रहा है भाई, यार तुम क्या कर रहे हो, पता नहीं आगे क्या बोल रहा है, एक बार फिर से अरे गाली दे रहे हैं तो इसको इग्नोर करते हैं। इसमें लाइट नहीं लग रहा है मुझे, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट भी है लेकिन इसकी वायर नहीं है, तो ये पूरा जोक था यार, जोक था, तो मेरा पॉइंट नहीं है तो पॉइंटलेस है। फिर बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड बॉल की तरफ, ये मम्मी ने कोई पता नहीं सुपर हीरो है शायद, फ्लैश की कोई बहन है या कौन है, कोई भी हो सकता है, तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, फ्लैश की बहन माता जी। और फिर उसके बाद ये चार हाथी है, ये अभी अभी पैदा हुआ है, ये उसका बड़ा भाई है, ये मम्मी है, ये पापा है, और ये एक और एस्ट्रोनॉट है, ये लॉलीपॉप पकड़ के स्पेस में भीख मांग रहे हैं पता नहीं क्यों। That was unintentionally funny. He's as clumsy as me. Wow. Brilliant. ये चीज अगर मम्मी ने देख ली exactly. तो सेटअप टूर वीडियो भी पूरी नहीं होती। ये दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, होली शिट। I think assemble कर सकते हो right? The way it fell. ऐसे अलग से है। अब गाली तो पड़नी है, तो वीडियो बनने के बाद ही पड़े। बेचारे की लॉलीपॉप भी टूट गई। भाई तू भीख मांगता ही ठीक था स्पेस में भाई। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे ट्विटी है, और ये लात क्रॉस करके इसलिए बिठाई हुई है क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, सीधी बैठ नहीं पाती। प्रमोशन के लिए तो यहाँ पे कुछ रखने को था नहीं, तो इसमें ये यूट्यूब से ऐसा कलरफुल वाली 4K वीडियो चला के मैंने सोचा एस्थेटिक ही दिखा देता हूँ। तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी ये सेटअप वीडियो जो है इनकम्प्लीट है क्योंकि मम्मी पापा ने पूरा सेटअप होने के बाद अभी तक देखा नहीं है, तो उनका एक्चुअली क्या रिएक्शन होगा इस पे वो देखे बिना वीडियो मेरे को लग रहा है थोड़ी सी इनकम्प्लीट। मम्मी पापा गजब भेजती है, कोई रिप्लाई नहीं है। मम्मी पापा जी प्लीज 2 मिनट ऊपर आ जाइए। They want to go to them, then talk. स्वागत है आपका हमारे सेटअप में, आपका रिएक्शन चाहिए था इस पे। ये दीवार अच्छी लग रही है ना? बहुत बढ़िया। दीवार तो अच्छी लग रही है पर नीचे गंदा क्यों करा हुआ है? क्लासिक मॉम। क्या गंदा किया है? सारा
काला है ना, साफ दिखता है। तो मैं आपको क्या लगता है मैं दीवार पे ऐसे पैरे मारता हूँ? वैसा सही है ना, तो ऐसा ताकि ये ना लगे कि सब कुछ बदल गया। थोड़ा सिली के सेक्सी सा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सीपीयू ज्यादा थोड़ा अच्छा है। ये क्या है? जितना मर्जी कह रहा है, कहने सोने की तक थाली भी परोस दो ना तो हाल वही रहेगा। वो देखिए सॉक्स कहाँ पड़ी हुई है। अरे वो भूल गया, पानी की बोतल, ये बैग। आप लोगों को इसलिए बुलाया था मैंने। That's the best part. ये क्या हुआ, इसे किसने तोड़ दिया? इसकी प्लेट भी थी यहाँ, हाथ में भी प्लेट और यहाँ पे भी प्लेट। अरे वो ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहा था ना लॉलीपॉप खाते खाते, तो आई थिंक वो वहीं छोड़ा है होगा। द बेस्ट पार्ट वेट, व्हाई वाज इट सो फनी? आई स्वेयर एंड इन नो वे आई वांट टू लाइक डिस निश्चय ह्यूमर, बट आई लव इट के जब वो रोस्ट करते हैं he should not do humor. जैसे उन्होंने स्टार्ट में किया, I find it hard to get, मतलब वो मेरा ह्यूमर नहीं है, इसीलिए I'm like क्या हो रहा है, what is this, what's happening, quite shock. Anyway, but जो end में हुआ, it was him just being naturally funny without even trying. When you try वो नहीं निकलता है, इट जस्ट कम्स आउट नेचुरली द वे यू आर एंड इट्स ऑलवेज फनी। आई सेड द सेम थिंग महेश के वीडियो में, जब उन्होंने उनका रूम हाउस टूर किया था, ही वॉज सो फन, ही वॉज मोर फन देन हिज अलॉट ऑफ रोस्ट वीडियोज दैट ही स्क्रिप्ट्स, सो गुड फॉर मी। ओके, एंड आई लव दैट लास्ट अबाउट आंटी अंकल के रिएक्शन, एग्जैक्ट, सो रिलेटेबल। यू लिव एनी वेयर, especially in India, especially desi parents are going to be desi parents. तुम कितना भी कमा लो, तुम कितना भी अच्छा कर लो, उनको ये सब चीजें दिख ही जाएगी, and it just meant to happen. And that was the best part. And the last auntie's expression like, रुक तो अभी. I loved it too. It was so much fun. By the end, I was having way too much fun. But I don't understand like the details of it. हमने किसी और का setup tour भी देखा था पहले. Since I'm not into gaming, I won't know about these things. But I'm ready to learn always, and I found it very pretty. Hope you did too. And let me know my tour. I also made a video on it on my blog channel. If you have not seen it, description mein link hogi. Ye chalu kar usse pehle main jaati hu yahan se. Bye, love you, see you.